हेलो एंड नमस्कार एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, क्या हाल है सभी के? इस सुबह की मॉर्निंग में आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके क्या हाल है? आप ठीक हैं क्या? आप सभी ठीक हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जब वो जीडी का वीडियो बनाते हैं और लोग कमेंट करते हैं। सही कह रहे हो, आजकल जिसके भले की बात करो वो गलत ही समझता। कहते हैं भलाई का जमाना रहा नहीं। बिल्कुल करेक्ट बात है ये माय डियर, चकाचक। बहुत अच्छा, तो कमेंट कैसे रिफ्रेश नहीं हो रहे चकाचक? शैंकी, गुड मॉर्निंग माय डियर, गुड मॉर्निंग एंजल, गुड मॉर्निंग मोना और ठाकुर, नमस्कार। ठाकुर कह रहा है जीडी का रिजल्ट आ गया है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत गजब, आ गया है तो रिजल्ट को रख लो। वो भी यही है, हाँ जी यही है, पता है मेरा, पता है, डोंट वरी, मैं आ चुका हूं, डोंट वरी एट ऑल। प्रकाश, नमस्कार माय डियर, नमस्कार। बहुत बहुत सभी लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन वंदन। चाहता हूं कि आप सभी जो है अच्छे से अपनी तैयारी करें और कोई समस्या अगर जीवन में आती है तो उसको पूछे, ठीक है? यही सब देखने के लिए गेहूं बेचकर रिचार्ज कराया था कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। कुछ बच्चे तो ऐसी बातें करते हैं कि जैसे कि गेहूं बेचकर रिचार्ज कराया था। ये गांव में रहने वाले वो बच्चे हैं जिनको पूरा गांव दोस्तों सिर्फ इसलिए जानता है कि फलाने को बोला फलाना मजाक करेगा, फलाने को बोला फलाना मजाक करेगा। बेटा, इस तरीके के मजाक बचपन में अच्छे रहते हैं। मैं कहता हूं आपने अगर मजाक करना भी है तो उस टाइम तक करो जब तक आप छोटे हैं। जैसे आप आठवीं नौवीं तक पढ़ रहे हो ना, उस टाइम तक खूब हंसी मजाक करो। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर आप मजाक को कंटिन्यू रखते हो अपने गांव में, आसपास के क्षेत्र में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आप स्कूल में चले गए वहां भी सबसे मजाक कर रहे हैं, आप किसी शादी ब्याह में चले गए वहां भी सबसे मजाक कर रहे हैं, तो क्या होता है जीवन में, ये बहुत ही कठिन वर्ड है लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं विद्यार्थी का हमेशा भलाई चाहता हूं, तो फिर भी वो क्या होता है कि लोग उसके बातों पर सामने तो हंसते हैं कि हाँ हाँ ये फलाना आ गया, अरे यार तूने क्या बात कह दी, लेकिन पीछे से वो क्या कहते हैं, ये गांव का सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा है। ध्यान रखना ये बात, और शायद आपको ये चीज पता नहीं चलेगी क्योंकि आपके मुंह पर कभी नहीं कहेंगे वो, लेकिन वो आपकी बातों पर उस टाइम तो हंसेंगे खूब, आपसे कहेंगे यार तुझमें जो दिमाग है ना, तू जितना मजाक करता है ना, दूसरा बंदे में उतनी कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन पीछे से वही मंडली आपको सबसे बड़ा बेवकूफ बताती है। तो आठवीं नौवीं क्लास तक ही मजाक करें, उसके बाद अगर आप हर समय मजाक करते हैं तो फिर मजाक के पात्र बनकर रह जाते हैं, है ना? ध्यान रखना आइडिया। चलिए, मैं समझता हूं आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और जीवन में दोस्तों अपने सपने के लिए वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। आपको अगर ऐसा लगता हो कि मैं फिर से पैदा होकर दोबारा से मुझे मेहनत करने का मौका मिलेगा, नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर नर मुन सब ग्रंथन गावा। यानी जो देवता है ना ऊपर, वो भी तड़प रहे हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिल जाए जिससे हम कुछ अच्छे काम कर सके, धरती पर जाकर कुछ भगवान का काम करें और अपना ईमानदारी से जीवन यापन करें। वो खुद तड़पते हैं इस बात के लिए। पता है क्यों? क्योंकि आदमी के पास ये मौका है कि उसमें इतनी बुद्धि है कि वो कर सकता है, लेकिन देवताओं पे तो व्यसन बहुत ज्यादा है। वहां पे अप्सराएं नाचती रहती हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। वो तो भगवान से मिलने तब जाते हैं
जब उन पर कोई विपत्ति आ जाती है, ये करेक्ट बात है ना। चलिए, कई बार मजाक खतरनाक साबित हो सकती है। सर मेरे साथ ऐसा हुआ, खतरनाक तो फिर भी एक बार को झेल जाता है। खतरनाक का क्या मतलब है प्रकाश? बेटा ये सीख है जीवन की, इसको सीख लेना आप, इसमें कोई वक्त नहीं लग रहा, डोंट वरी मैं अभी पढ़ाऊंगा ही, लेकिन ये जीवन की सीख है। अगर आप बहुत ज्यादा मजाकिया है ना, तो वो 8वीं 9वीं क्लास तक ही रखना, उसके बाद भी अगर आप मजाक को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ध्यान रखना जीवन में हो सकता है आप मजाक के पात्र ही बनकर रह जाए। समझ गए? खतरनाक मजाक तो फिर भी हम सहन कर लेते हैं, मतलब हमको पता चल जाएगी कि यह मजाक तो यार उल्टा भारी पड़ गया। लेकिन जो लोग आपकी बातों पर सामने हंसते हैं और बाद में वही मंडली जो ये कहती है ना, आ गया देखो बेवकूफ, आ गया आ गया, इस टाइप के लोगों से हमेशा सावधान रहना। यानी उतना ही मजाक करो जितना आपको लगे कि हाँ ये लेवल है और इतना मेंटेन रहना चाहिए किसी किसी पॉइंट पर। ये नहीं है कि जहां बैठे वहीं तुम खुद ही मजाक का पात्र बन रहे हो, है ना। मुंह पर कोई नहीं कहेगा बेटा, नहीं कहते लोग मुंह पर, लेकिन बाद में सब कहते हैं। उन जलीलों को पहचानना सीखो जो बाद में आपकी बेइज्जती करते हैं, आपके मुंह पर शाबाशेंगे। ठीक है, चलिए चलिए भाई, अब शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। एक बात पूछनी है आपसे मुझे बहुत दिनों से। जी बिल्कुल पूछिए मोना जी, आपको जो भी पूछना है बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। तपन जोशी कह रहे हैं क्या? हाँ, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे। हाँ, कह रहा है ये कमेंट बॉक्स खुलता है, लाइक नहीं आता। हाँ सर, ऐसे लोग ज्यादा है आजकल। हाँ ऐसे ही लोग हैं। मोना पूछिए अपना प्रश्न और फिर शुरू करते हैं माय डियर एपिसोड नंबर 154। अप्रैल में आज 3 और बात कर रहे हैं सूर्योदय की। दोस्तों आई वेलकम यू इन द 154th एपिसोड ऑफ सूर्योदय। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए, लेट्स सी सम न्यूज हेडलाइंस ऑफ द डे। कुछ न्यूज हेडलाइंस देख लेते हैं। कह रहे हो नहीं सर कुछ नहीं। अरे बेटा क्या हुआ, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए। है क्वेश्चन की भी, चलिए कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। आओ दोस्तों, ये क्या भाई, गंधा मर्दन, कौन सी? ध्यान रखना इसको गंध मर्दन भी बोलते हैं, गंध मर्दन, गंध मर्दन पहाड़ियां हिल्स। इनको दोस्तों क्या किया है, उड़ीसा ने डिक्लेयर कर दिया है एज अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। क्या डिक्लेयर किया है? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इनको डिक्लेयर कर दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला आइए, कह रहा है अफगानिस्तान वो देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा टेररिज्म से प्रताड़ित है। अफगानिस्तान इज द कंट्री हु इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द टेररिज्म इन अ स्ट्रेट फोर्थ ईयर। लगातार चौथी साल में अफगानिस्तान सबसे ज्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म से, यानी आतंकवाद से। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बेटा कोई बात नहीं, जब आपको याद आए तब पूछ लेना, डोंट। ठीक है, तो ये याद रखिए फिलहाल तो कि अफगानिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार लगातार चौथी साल सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है। किससे? टेररिज्म से। ठीक है, आतंकवाद से। नेक्स्ट आइए, इंडिया की पूछ लेते हैं, इंडिया कौन सी है? लिखना 13वीं। इंडिया की रैंक क्या है बच्चों? 13वीं इंडिया की रैंक है मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में बाई टेररिज्म। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है जापान ने कमिटमेंट किया है 7,048 करोड़ रुपए फॉर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगेंगे इंडिया में, और उसके लिए जापान कितने रुपए दे रहा है? 7,084 करोड़ रुपए देने वाला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ममता बनर्जी ने पथश्री स्कीम चलाई है। कौन सी? पथश्री और दोस्तों रास्ता श्री, ये स्कीम चलाई है किसने? ममता बनर्जी ने। पथश्री, पथश्री और रास्ता श्री, रास्ता श्री ये स्कीम चलाई है ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन हर स्टेट, अपने राज्य में। कहां पर दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, यूएस अर्जेंटीना रिसर्चर, यूएस और अर्जेंटीना दोस्तों बेस्ड रिसर्चर, क्या नाम है? लुईस, लुईस कैफरेली। लुईस कैफरेली को एबल प्राइज मिला है। आप जानते हैं एबल प्राइज इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स।
एवन प्राइज मिला है दोस्तों। एवन प्राइज इज द मोस्ट मोस्ट, ध्यान रखिएगा, एवन प्राइज इज द मोस्ट माय डियर क्या प्रेस्टीजियस, जैसे नोबेल प्राइज होता है ना, जैसे साइंस में, लिटरेचर में, इन सब में नोबेल प्राइज होते हैं ना, वैसे ही मैथमेटिक्स में क्या है, एवन प्राइज। एवन प्राइज ध्यान रखना माय डियर, सबसे ज्यादा क्या है, एकदम फर्स्ट क्लास प्राइज है एवन प्राइज, सबसे बड़ा कह सकते हैं आप उसके क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट आ जाइए, दिस आर द न्यूज हेडलाइंस विच वी आर गोइंग टू कवर। अजय सिंह देखेंगे क्या अध्यक्ष बने, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के बारे में पढ़ेंगे, पासपोर्ट इंडेक्स 2023, 2023 का टेनिस डबल्स खिताब किसी ने जीता है, देखेंगे कहां का व्यक्ति है जिसने जीता है। प्रीपेड भुगतान यानी पीपीपीआई माय डियर, आपको बताया वो पैसे देने पर भी पैसे कटेंगे, पैसे ट्रांसफर करते थे ना, कहते थे फटाक से मोना मोना ले आओ 10 रुपए का खिलौना, और पैसे ट्रांसफर के दुकान वाले पे ट्रांसफर कर दिए बेटा, अब उसमें पैसे कटा करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हो भाई, इस बात पर वीडियो को लाइक कर दो, बहुत बढ़िया माय डियर। सर ये डीपी के लिए है, हाँ बेटा डीपी के लिए, ध्यान रखिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्प्रिंग फिएस्टा बसंत पर्व 2013, दूध में मिलावट का 30 सेकंड में पता लगाने वाला यंत्र, उपन्यास फूलेंगे, देखेंगे किसने लिखा है। विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नशीली दवाओं का दिवस देखेंगे कब मनाया जाता है। भारत के रक्षा निर्यात देखेंगे माय डियर। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा देखेंगे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता देखेंगे, ऑटिज्म क्या एक बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है, ध्यान रखना। दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह की थीम क्या है, यह थीम देखेंगे हम, दृष्टिहीनता सप्ताह निवारण की। नेक्स्ट आ जाइए, अब चलते हैं अपनी न्यूज पर, सबसे पहली न्यूज को एक बार देख लेंगे और फिर मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है, बहुत अच्छे से पहले पढ़िए फिर आंसर बताइए मुझे तुरंत। मोना नहीं मानती कुछ किसी से, गुरु जी बेटा ऐसे मत कहो, जिंदगी में बिना लिए दिए तो पत्ता नहीं हिल सकता, ध्यान रखना माय डियर। कहते हैं जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, यानी जो लोग जिंदगी में किसी से भी लेन देन नहीं करते, सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए जीवन में परस्परता का एक शब्द है, वो वसुधैव कुटुंबकम नाम ही इसीलिए पड़ा भारत के अंदर, कि वसुधा जो है वो पृथ्वी है और पृथ्वी एक कुटुंब है, और परिवार में बेटा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी को कुछ देता ना मैं किसी से कुछ लेता। हमको वी मस्ट हैव टू गिव समथिंग टू एनीवन और समवन, एंड वी मस्ट हैव टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन आल्सो, लेना ही पड़ेगा देना ही पड़ेगा, चाहे बेटा वो माता से मांगी हुई रोटी ही क्यों ना हो, ये भूल जाना। बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीम शब्द यूज मत करना कि मुझे किसी से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। हाल ही में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष बने हैं, आंसर कीजिएगा तुरंत, जल्दी आंसर कीजिए माय डियर। बहुत अच्छा बेटा, मैं जानता हूं आप सबको इसका आंसर तो पता ही है, तो आप फटाफट इसका आंसर भी मेरे सामने कर ही दीजिए तुरंत, ध्यान रखिए माय डियर। एसोचैम, क्या एसोचैम, ध्यान रखना बच्चा, एसोचैम का मतलब क्या है, सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, लिखना बेटा एसोसिएशन, क्या लिखोगे, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स, ठीक है, ध्यान रखना क्या है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स किसके लिए, फॉर इंडस्ट्री एंड बिजनेस माय डियर, ठीक है, ध्यान रखना फॉर इंडस्ट्री एंड बिजनेस। अगर आपसे पूछ ले बेटा एक चीज पूछेगा इसमें, इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना लिखना आप 1927, क्या लिखोगे, लिखना 1927 इसकी स्थापना लिख लीजिएगा माय डियर। और आपसे पूछेगा कि इसके अध्यक्ष अब कौन बन गए, इसके अध्यक्ष बन गए हैं अब अजय सिंह, कौन बन गए, अजय सिंह बन गए माय डियर, ध्यान रखना अजय सिंह। पूछेगा आपसे किसकी जगह बने, किसको रिप्लेस किया, लिखना सुमंत सिंह, किसकी जगह बन लिया, सुमंत सिंह, लिखना सुमंत सिंह की जगह, ठीक है भैया। पहले ये कौन थे अजय सिंह, पहले अजय सिंह कौन थे माय डियर, ध्यान रखना बेटा, अजय सिंह जो है, जो अभी
किसके एसोचैम के चैंबर बन गए हैं दोस्तों। पहले सेबी में वर्क करते थे, फिर फिक्की में वर्क किया, आप कहां आ गए, अब यहां आ गए एसोचैम में। ध्यान रख लेना, छोटे मोटा बंदा नहीं है अजय सिंह, ध्यान रखना भाई। और देखो आपसे इसके बारे में भी पूछ सकता है, फिक्की के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, फिक्की के बारे में आपसे पूछ सकता है, आप ध्यान रखना। चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस ध्यान रखना, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज चैंबर क्या है, फिक्की है। एक बात मैंने फिक्की के बारे में आपको बताई थी, आपको ध्यान हो, महात्मा गांधी वाली, ध्यान रखना बेटा। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम ही डेट है इनकी, ध्यान रखना। 1927 ये फाउंड तो 20 में हुई थी, लेकिन 27 से ही शुरू हुई, ध्यान रखना, इसीलिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिक्की भी क्या है, 1927 में बनी, किसने बनाई है, घनश्याम दास बिड़ला, बताया था मैंने आपको 1927 घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। बेटा एक चीज और यहां ध्यान रखना, यहां आपसे हेडक्वार्टर अगर पूछ ले एसोचैम का, लिखना हेडक्वार्टर का है मुंबई, लिखना बेटा है मुंबई, लिखना हेडक्वार्टर, ठीक है एसोचैम का। अगर फिक्की का दोस्तों देखो, फिक्की दिल्ली, यहां 1927 घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर, कौन, पुरुषोत्तम दास ठक्कर, ध्यान रखना पुरुषोत्तम दास ठक्कर, ध्यान रखना भाई डियर, करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिक्की की स्थापना भी इसने की। अब वो पूछ रहा है स्पाइस जेट के प्रमुख कौन थे, पहले अजय सिंह थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने हर जगह काम किया है, इन्होंने फिक्की में काम किया है, सेबी में काम किया है, स्पाइस जेट के चीफ थे, कौन थे, स्पाइस जेट जो कंपनी है भाई डियर, स्पाइस जेट के जहाज चलते देखे कभी, स्पाइस जेट के चीफ, चीफ थे दोस्तों कौन, अजय सिंह, ठीक है। अब क्या बन गए हैं, अब बन गए हैं भैया एसोचैम के दोस्तों प्रेसिडेंट, नए यहां पर लिख लो क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं न्यू, यानी अध्यक्ष बन गए हैं न्यू, करेक्ट, कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। अब आवाज आ रही है क्या आपको, इसकी ये चल रहा था मोबाइल, इसलिए आवाज आ रही होगी, ठीक है, ध्यान रखना। एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं जो दोस्तों चीफ थे, किसके, स्पाइस जेट के, करेक्ट है। स्पाइस जेट क्या है, आपको पता होगा, स्पाइस जेट के जहाज चलते हुए आपने देखे होंगे, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में मूल आवासी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया, भैया आंसर कीजिए तुरंत, फटाफट आंसर कीजिए, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं आइडियल। IUCN के द्वारा इसको कौन सी लिस्ट में रखा गया, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, आंसर कीजिए माय डियर फटाफट, जल्दी कर रहे हो आंसर, हाँ भाई करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर, एसोसिएशन, ये क्या कह रही है बेटा, एंजल मैसी कह रही है सर एसोसिएशन ये है क्या, अच्छा बेटा मैं समझा देता हूं, अगर आपके समझ में नहीं आया मुझे लग रहा, देखो एसोसिएशन ऑफ चैंबर, ये एसोचैम इसका शॉर्ट नाम है, एसो का मतलब है एसोसिएशन, चैंबर का मतलब है चैम का मतलब है चैंबर, एसोसिएशन ऑफ चैंबर्स किसके लिए, बताऊं आपको पहले समझ लीजिए इसके बारे में, एसोसिएशन ऑफ चैंबर एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप कहोगे एक एनजीओ है, किसके लिए काम करता है, एडवोकेसी के लिए, एडवोकेसी किसकी, किसी भी, इसमें दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यहां लगभग कितनी, यहां 100 से ज्यादा कंपनियां दोस्तों इसकी मेंबर है, 100 से ज्यादा कंपनी, यहां 100 से ज्यादा कंपनी इसकी मेंबर है। अब उस कंपनी में कोई दिक्कत आती है, कोई कंपनी में कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो एसोसिएशन ऑफ चैंबर्स में जाएंगे, एसोसिएशन ऑफ चैंबर्स आपकी बात को लेके जाएगा कहां पर दोस्तों, जहां इंडस्ट्रीज हो, जहां इंडस्ट्रियल क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिड्रेसल होता है, तो अगर डिस्प्यूट रिड्रेसल, तो ध्यान रखना उसके लिए क्या बने हुए, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। एसोचैम और फिक्की ये सब आपकी तरफ से बात रखते हैं कि ये हमारे एसोसिएशन का मेंबर है, इनमें ये चीज गलत हो रही है, इसको सही करिए, इनको इतना पैसा दीजिए, समझ गए। सेबी क्या करता है, पैसा दिलवाता है बेटा, ध्यान रखना, तो वहां जाकर अपनी बात रखेंगे तो पैसा देंगे, तो ये एक एसोसिएशन है जिसमें 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी, समझ गए, जो देश को चला रही है, माय डियर देश को कौन चला रहा है, कॉर्पोरेट चला रहा है, ध्यान रखना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है,
इसके अब चेयरमैन कौन बन गए, अजय सिंह बन गए, जो पहले चीफ थे किसके, स्पाइस जेट के, करेक्ट है। किसको हटाया, सुमंत सिंह को हटाया, जो पहले प्रेसिडेंट थे किसके, एसोचैम के, ठीक है, बात क्लियर है। हाँ, जो भी इश्यू इसके रिलेटेड होते हैं, मान लो इस कंपनी ने कुछ बेचा किसी को, उसमें दिक्कत हो गई, इन्होंने कहा इन्होंने हमको धोखा दे दिया, जैसे मैंने आपको लोटस वाला केस बताया था, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड लोटस होटल, वो केस बताया था ना, वही वाली सेम केस है। किसी के साथ अगर कोई केस होता है, कोई लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट हो जाता है किसी ट्रेड के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में, तो उनको ये सॉल्व करवाते हैं, एसोसिएशन के चैंबर है, ठीक है। अरे जैसे बार यूनियन, नहीं सुना आपने, वकालत में कोई वकीलों का कोई भी मैटर होता है, कौन उसको देखता है, बार प्रेसिडेंट देखता है, जो बार का अध्यक्ष होता है, ठीक है, पूरे वकीलों के बार का जो अध्यक्ष होता है, वैसे ही ये है एसोसिएशन, करेक्ट है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, राजस्थान गुजरात के कुछ क्षेत्रों के मूल निवासी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर आईयूसीएन द्वारा किस क्षेत्र की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया, ध्यान रखना माय डियर, एंडेंजर्ड, दोस्तों किसमें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, किसमें माय डियर, क्रिटिकली नहीं, एंडेंजर्ड में, ठीक है, एंडेंजर्ड में इनको रखा गया है। ये बहुत ज्यादा स्थिति खराब जब हो जाती है तब इसमें रखा जाता है एंडेंजर्ड में, यहां उससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो जाती है तब रखा जाता है किसमें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, ध्यान रख लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है, डी डी माय डियर, समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छा, डी नहीं सी, हाँ डी 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 डी। देखो अब आप पूछेंगे मुझसे, अब आप मुझसे पूछेंगे सर डी में क्यों है ये, बेटा ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पहले एक चीज लिख लो यहां पर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जी आई भी लिखूंगा मैं, आप पूरा नाम लिख लेना, ये एक चिड़िया है, अच्छी खासी चिड़िया है, इसको वर्ल्ड की हैवीएस्ट उड़ने वाली चिड़ियों में नाम रखा जाता है, इसका क्या यानी सबसे भारी उड़ने वाली चिड़िया विश्व के अंदर, वो कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ध्यान रखना ये इंडिजीनियस है, कहां की, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना उसी में पाई जाती है ये, पाकिस्तान में, इंडिया में, इंडिया के बहुत सारे इलाकों में, ध्यान रखना माय डियर, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है कहां पर, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पर ये पाई जाती है। वैसे ये पाई महाराष्ट्र में भी जाती है, कर्नाटक में भी जाती है, आंध्र प्रदेश में भी जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये अति संकटग्रस्त क्यों आ गई है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्यों आ गई है, ध्यान रखना भाई डियर, आईयूसीएन, सबसे पहले आप आईयूसीएन के बारे में जान लीजिए, आईयूसीएन, आईयूसीएन क्या है, अब यहां पर यू भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईयूसीएन यूनाइटेड नेशन की तरफ से चलाया जाता, नहीं, ध्यान रखना ये इसका यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है माय डियर, कोई भी इस चक्कर में फंसेगा नहीं, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना, क्या है ये एक एनजीओ है माय डियर, इसकी स्थापना अगर पूछे कोई, लिखना 1948 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रख लेना, करेक्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों कि ये क्या करता है, तो ये रिपोर्ट, ये क्या करता है, डेटा को इकट्ठा करता है, ये डेटा बनाता है, रेड डेटा लिस्ट है, इसके अपने रजिस्टर है, किसके, आईयूसीएन के, ये बनाता है कौन सा पक्षी मरने वाला है, कौन सी स्पेसीज खत्म होने वाली है, ये सब उसको काम करता है, सारे देशों में काम करता है ये 193, लेकिन ये एनजीओ है, यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं है, ये प्रश्न 50 बार पूछा गया है कि आईयूसीएन इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन और इज अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, लोग लिख देते हैं हाँ हाँ नेचर को कंजर्व कर रहा है, यूएन का होगा, नहीं, ये एक एनजीओ है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आप समझो इसमें एक रेड डेटा लिस्ट होती है, उसमें क्या करता है ये सारी कैटेगरीज है उसमें, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब जो खत्म हो चुका है, जैसे भारत में चीता खत्म हो चुका था, तो चीते को भारत में एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, कि यानी यहां से विलुप्त, भारत में गिद्ध खत्म हो गए, वल्चर, वल्चर को एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, ध्यान रखना भारत के अंदर, ये सारी वो कौन देता है खबर, ये देता है आईयूसीएन, तो ध्यान रखना माय डियर, राजस्थान, गुजरात, वैसे तो ये यहां पर भी मिलते हैं, कहां पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और कहां पर दोस्तों, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलते हैं, पोलिकट लेक के आसपास मिलते हैं आइडिया, ध्यान रखना, आंध्रा और उसके बॉर्डर पर तमिलनाडु के, ठीक है। और अब आपसे सबसे बड़ी बात क्या कहूं, देखिए यहां लिखिए
लुप्त प्राय क्यों है, एंडेंजर्ड क्यों है, आईयूसीएन की लिस्ट में ये आया है। आईयूसीएन ने बोला है कि इनकी संख्या लगभग 54 से 258 के लगभग दोस्तों देखी गई है। 258 से लगभग, मतलब बहुत गजब तरीके से घटी है। क्या क्या रीजन है घटने के बता देता हूं, लिखवाना जरूरी नहीं है। घटने के सबसे ज्यादा रीजन है माय डियर, एक तो ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब ज्यादा घास को चरवा लेना, भैंसों को छोड़ देना, अपने पशुओं को छोड़ देना। दूसरी है हंटिंग, ये बहुत ज्यादा उपयोगी चिड़िया है इसलिए इसको हंटिंग किया जाता है। एक बार प्रश्न आया था यूपीएससी में, था आईएएस में, कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो अंडा देती है या बच्चा देती है, ध्यान रखना अंडा ही देती है। वजन पूछ लिया था कि वजन कितना होता है इसमें, लिख लेना बेटा, अगर मेल है तो 18 किलोग्राम तक का वजन है, अगर फीमेल है तो 16 से 15 किलोग्राम। दोस्तों ध्यान रखना, अगर मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है मेल तो कितना वजन होता है, 18 किलोग्राम तक का वजन होता है ध्यान रखना, और फीमेल में 16 तक का। अब आप समझिए 18 किलोग्राम की चिड़िया उड़ती है, लंबी गर्दन की चिड़िया है, इस पर ब्लैक फीदर रहता है इसके यहां पर, ठीक है। आपने देखा होगा पहले आपके खेतों में आती होगी, जब आपके दादा वगैरह खेती करते होंगे, अब यह विलुप्त हो रही है ध्यान कर लेना। अब कितनी देखी जाती है, अब ज्यादातर राजस्थान में देखी जाती है, थोड़ी बहुत गुजरात में, और उधर से तो खत्म ही हो गई, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत ज्यादा फेमस चिड़िया है हमारे यहाँ की, ठीक है। राजस्थान से इसका क्या संबंध है मुझे एक बार बता दो, मान जाऊंगा आपको। राजस्थान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या संबंध है, प्रकाश फटाफट बताओ। गोडाबड़, गोडाबड़ क्या है मुझे नहीं पता, गोडाबड़ क्या है, 18, बिल्कुल करेक्ट एकदम लिखा है 18 मेल फीमेल। दोस्तों ध्यान रखना 18, 15 किलो 16 किलो के लगभग कौन फीमेल और 18 किलो के लगभग मेल होता है दोस्तों, और ये उड़ती है चिड़िया। तो ये वन ऑफ द हैवी वेटेस्ट बर्ड, फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, जो सबसे ज्यादा वजन किया और वो फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट टाइम पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंक पिछले साल की रैंक 138 से बदलकर क्या हो गई, आंसर कीजिए, आपको पता रहना चाहिए, आपको पता ही होगा। ध्यान रखिए माय डियर, पासपोर्ट इंडेक्स 2023, पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ठीक है, बताइए भारत की रैंक दोस्तों क्या हो गई है। ध्यान रखना पिछली साल भारत की रैंक दोस्तों, पिछली साल यानी 2021 में बेटा भारत की रैंक क्या थी, 138 रैंक थी, ध्यान रख लेना, किसमें, पासपोर्ट इंडेक्स में। और दोस्तों अभी 2023 में भारत की रैंक क्या हो गई है, ध्यान रखना भारत हो गया है 144th, कितना 144th हो गया है ध्यान रखिएगा, यानी कितने 6 स्थान दोस्तों डिक्रीज हो गया, 6 स्थान खिसक गया। आप कहोगे सर ऐसे कैसे खिसक गया, मैं बताता हूं, पासपोर्ट माय डियर मैं बताता हूं आपको कैसे खिसका। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ने एक डेटा जारी किया, उसमें मोबाइलिटी नंबर निकाले, यानी मोबाइलिटी नंबर्स ऑफ द कंट्रीज। तो ध्यान रखना भारत का मोबाइलिटी नंबर घट गया है। मोबाइलिटी मतलब बेटा इधर से जाना उधर से जाना, इधर से जाना उधर से जाना, मोबाइलिटी मतलब है घूमना यानी यात्रा करना। तो भारत का मोबाइलिटी रैंक घट गया है, यानी देखिए ध्यान रखिए, यहां बात करूं मैं किसकी, 2021 की बात करता हूं, तो मोबाइलिटी क्या थी, किसकी मोबाइलिटी थी बेटा भारत की, कितनी 71। अगर बात करूं 2022 की, तो 2022 में मोबाइलिटी हो गई 73, यानी बढ़ गई थी, इसीलिए हमारी रैंक भी क्या हो गई 138 हो गई थी। अब 2023 की अगर बात करूं तो मोबाइलिटी कितनी हो गई है, 70 हो गई है, 70% लोग क्या मोबाइल किए इधर से उधर घूमे, इसलिए घट गया मामला, समझ गए, किसका मामला घट गया, हमारी रैंक घट गई। ध्यान रखिएगा यहाँ 138 थी, यहाँ 144 हो गई। अब आपसे एक चीज और पूछता हूं मैं, ये तो हो गई पासपोर्ट इंडिया इंडेक्स 2023। आपसे एक चीज पूछता हूं, आंसर लिखना कि मुझे बताना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने क्या रैंक दिया इंडिया की, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने क्या रैंक दिया बेटा, हेनले दूसरी रैंक देता है, हेनले रैंक देता है कि किस देश का कितना पावरफुल पासपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। हेनले ने माय डियर क्या दिया, हेनले ने कहा जापान का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, कि जापान माय डियर वहां पर क्या है 100 से ज्यादा देश जो है आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, वो
100 से ज्यादा देशों में बिना पासपोर्ट के भी ट्रेवल कर सकता है, कौन? जापान, उसका पासपोर्ट इतना पावरफुल है। ध्यान रखना इंडिया ने क्या किया दोस्तों, इंडिया की रैंक कितनी आई थी, 85th, यहां लिख लो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ध्यान रखना माय डियर, है ना। अब ध्यान रखिए इंडिया ने क्या किया है, 85th रैंक आई हेनले में, इंडिया ने 59 अपने डेस्टिनेशन को ओपन कर दिया, 59 डेस्टिनेशन को ओपन कर दिया कि भाई आप आ सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब वीजा फ्री पासपोर्ट होता है ये, कि आपको अगर इतने जगहों पर आना है तो वीजा देने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना 59 प्लेसेस, करेक्ट है। पाकिस्तान ने कितने खोल रखे हैं, 38 खोल रखे हैं, श्रीलंका ने कितने, 42 खोल रखे हैं, ये हमारे आस पड़ोस की कंट्री है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। भारत ने कितने खोले, 59 खोल दिए, कि आराम से 59 देशों के लिए कि आप हमारे पास आ सकते हैं वीजा फ्री, ठीक है, वीजा फ्री आ सकते हैं। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया 85, यस माय डियर, हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। टॉप किसने किया, यूएई ने टॉप किया था, यूएई, यूएई ने इसमें टॉप किया था। आ जाओ नेक्स्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई, देखो यहां पर हाल ही में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी ने 2023 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युगल खिताब जीता है, बताओ, डबल जीता है, युगल खिताब का क्या मतलब है, डबल जीता है। आज दिक्कत हो गई है, पता क्या आज दिक्कत हो गई, डबल लाइट तो आ रही है लेकिन ये दो लाइट बंद हो गई, तुमको अंधेरा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा क्या, तुम्हारी आंखें तो वैसे भी खराब हो चुकी है ना, कैसे दिखेगा रे अंधेरा तुमको, ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग सेट्टी 2023 में युगल यानी आपने जीता है डबल्स, ध्यान रखिए माइडियर यहां लिख लीजिए, डबल्स जीता है। आप पूछेंगे सबसे पहले, सर मैं नहीं मान रहा हूं डबल्स किसका जीता है, अरे बेटा मैं बता रहा हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा है रे, इसमें से ही तो बताना है किसका डबल्स जीता है, डबल्स जीता है। नाम दोस्तों दोनों के क्या है, ध्यान रखिएगा एक एक करके नाम लिखो बेटा इनके, यहां लिखो सात्विक साईराज, क्या सात्विक साईराज, करेक्ट है, और दोस्तों जोड़ी किसकी है साथ में, चिराग सेट्टी, कौन, चिराग सेट्टी, ध्यान रखिएगा माय डियर, इन दोनों बच्चों ने क्या किया है, युगल जीता है डबल्स, डबल्स जीता है, डबल्स किसमें जीता है, स्विस ओपन, किसमें जीता है माय डियर, स्विस ओपन में जीता है। मैं समझता हूं आपने आंसर इसका किया होगा, बहुत बढ़िया सी आंसर किया बेटा, गजब का आंसर आप कर रहे हो, मजा आ गया, ध्यान रखना स्विस ओपन किया है, इसका नाम क्या है, स्विट्जरलैंड ओपन इसको कहते हैं, अगर आपसे पूछ ले बेटा स्विस ओपन के बारे में, ध्यान रखना स्विस ओपन के बारे में पूछ ले आपसे, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्विस ओपन बहुत ही प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है, हल्का फुल्का नहीं है ये, प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है। स्थापना पूछ ले आपसे कब हुई है इसकी, 1955 से चला आ रहा है ये, वन ऑफ द बेस्ट जो प्लेयर है बैडमिंटन के, किसका है ये, ये बैडमिंटन का है माय डियर, ये भी ध्यान रख लेना, बैडमिंटन का है ये, बैडमिंटन टूर्नामेंट। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो लिखना माय डियर, लिखना इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है ग्लेंड, कहां पर, ग्लेंड में इसका हेडक्वार्टर है, और ग्लेंड कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रख लेना ग्लेंड में। और सबसे पहला स्विस ओपन कहां हुआ था बेटा, जनेवा में हुआ था, ध्यान रखना जनेवा में हुआ था, वो भी स्विट्जरलैंड में, फर्स्ट एडिशन कहां हुआ, जनेवा में हुआ था, ध्यान रख लेना जनेवा, जनेवा भी कहां पर, स्विट्जरलैंड में। पूछेगा आपसे कि इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, लेकिन ये फाउंड कहां हुआ था, लिखना माय डियर यहां ब्रैकेट करके, फाउंड बेटा ये पेरिस में हुआ, फ्रांस में फाउंड कहां हुआ, पेरिस में हुआ है, ध्यान रख लेना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो बिल्कुल रख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यूएस स्विस ओपन है, भारत ने जीता है, ये जोड़ी बहुत फेमस चल रही है, किसकी, सात्विक साईराज और चिराग सेट्टी की, कोई दिक्कत यहां तक, बहुत अच्छे से समझ रहा। क्या कह रहा, ओहो हो भाई रे भाई, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
इसके ऊपर एक बात मेरे को याद आई है, वैसे तो इस पर क्या कमेंट करूं मैं, लेकिन मेरे को एक बात याद आई कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती, जैसे जो कौआ होता है ना, कौआ नीचे कुछ पड़ा होगा तो कौए को उसमें क्या दिखेगा, उसको वीट दिखेगी, वीट जिसको वो खाता है। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं, भ्रमण पर निकलते हैं, देखता हूं कहां पर गंदगी पड़ी हुई है उसको चाट कर आऊंगा, ये वही व्यक्ति में से एक है, ही इज वन ऑफ देम। ध्यान रखना माय डियर, जीवन में आपकी जैसी क्या भावना रहती है आपको वही चीज दिखती है। पढ़ने वाले बच्चे को क्या दिखेगी कि कोई न्यूज होगी, इसके बारे में न्यूज आ रही है, समझ गए। इसको क्या दिखी, इसको दिखी वही जो ये देखना चाहता था, ये घर में भी वही देखेगा, ध्यान रखना माय डियर। बहुत अच्छे, मजा आ गया आज तेरी बात सुनकर, मैं कृत कृत्य हो गया आज तेरी बात सुनकर। आ जा भाई, देखिए माय डियर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई का उपयोग करके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर 2000 से अधिक की राशि लेने वाले व्यापारियों पर 1.1% का इंटरचेंज शुल्क लेगी। ये बहुत अच्छा सिस्टम शुरू कर दिया आजकल, क्या फल फ्रूट वाले दुकानदार भी क्या कहते हैं, बोल रहे हैं भैया मत उस पे मत करना, पेटीएम पे या तो पैसे दे दो या कुछ कर दो। मतलब अगर आप इसमें एक राशि है निश्चित 2000 से ऊपर आप क्या कर रहे हैं, अगर पेमेंट करें, ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें पैसा कटेंगे। इसमें कहा गया ये, इसको बुलाओ ना एक बार। ये वही लोग हैं जो गूगल में भगवान को सर्च करते हैं। हाँ ये वही लोग हैं, बिल्कुल करेक्ट बात कह दी, ये वही लोग हैं जो गूगल में भगवान को सर्च करते। एक बात बताओ आप, अचानक से एक बात बताओ, ये कौन से लोग हैं। एक और बात बताता हूं, जैसे कोई बड़ा आदमी है, मान लो कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री पर आकर स्याही फेंक देते, एकदम से ऐसे स्याही फेंकने वाले। फिर क्या होती है, फिर इनको ले जाते हैं, इनकी सेवा करते हैं, आ जा बेटा तूने बहुत बढ़िया काम किया, गजब, क्या गजब से तूने स्याही फेंकी भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर। उसको ले जाते हैं, फिर उसकी ऐसी खातिरदारी करते हैं कि फिर जीवन भर वो क्या करता है दोस्तों, स्याही बनाने की दुकान पर काम करता है जीवन भर, क्योंकि और किसी लायक उसको छोड़ते नहीं ना, फिर वो बैठ नहीं पाता पीछे से। फिर पुलिस का ये काम रहता है, जो दिल्ली में पुलिस है ना, फिर उसका ये काम रहता है, वो इनका इलाज करती है कि आजा तूने बहुत अच्छा काम किया था, अचानक से आके स्याही फेंक दी, क्योंकि वो जानता है अचानक से मुझे कोई रोकेगा नहीं। अगर पहले से हल्ला मचा के आता कि आज मैं स्याही फेंकूंगा तो जनता ही हिसाब कर देती बीच में कि आजा मैं फेंकवाऊंगा स्याही। ये अचानक से आते हैं, यही तो इनकी खासियत है, ध्यान रखना। कोई बात नहीं माय डियर, आ जाइए। देखिए फटाफट कह रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई का उपयोग करके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर 2000 से अधिक की राशि लेने वाले व्यापारियों पर 1.1% का इंटरचेंज शुल्क करेगी, बताइए मुझे। एक बात सबसे पहले आपको जो इसमें जाननी है वो ध्यान रखना माय डियर, आंसर क्या है इसका, एनपीसीआई इज द करेक्ट आंसर, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। तो सबसे पहले आप एनपीसीआई के बारे में जरूर जानिए, एनपीसीआई का मतलब क्या है, अगर फुल फॉर्म पूछेगा आपसे लिखना नेशनल, क्या लिखना भाई डियर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या कह लो यहां पर इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। जब से ये सरकार आई है तो क्या होता है, कोई भी नाम अगर बन रहा है, जैसे गोवर्धन करके एक स्कीम का नाम है, तो गोवर्धन स्कीम का भी पूरा फुल फॉर्म बनाया आइडिया GOVARDHAN। ये ब्यूरोक्रेसी पे तो प्रेशर आया है कि जब से ये सरकार में आए हैं स्कीम के नाम का भी मतलब होना चाहिए, अगर स्माइल स्कीम चल रही है तो उसका मतलब होना चाहिए, स्टेम अगर चल रही है तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसका मतलब जरूर निकलना चाहिए। कुल मिलाकर ये इनको टास्क दिया गया, ध्यान रखना बेटा। एनपीसीआई अगर आपसे पूछ लेता है क्या इसकी एस्टेब्लिशमेंट पूछ लेता है, स्थापना, तो लिखना इसकी स्थापना 2008 में की गई, कब 2008 में की गई, किसके द्वारा की गई है, आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखना किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा,
आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और 2013 के एक्ट के अंदर ये काम कर रही है, ये भी आप ध्यान रखना, 2013 के एक्ट के अंदर ये काम कर रही है। ये कहना चाह रहा है यूपीआई का जो पेमेंट होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का जो पेमेंट होगा माय डियर, उस यूपीआई के पेमेंट के थ्रू अगर पीपीआई पेमेंट है, प्रीपेड पेमेंट है पीपीआई वाला, प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस, अगर प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस है तो ध्यान रखिएगा आपके पैसे कटेंगे। कैसे पैसे कटेंगे यहां लिख लीजिए, नोट करके पैसे लिखेंगे कटेंगे बेटा, 2000 से ऊपर का अगर आपका ट्रांजैक्शन है, यानी ग्रेटर देन 2000, तो कितने पैसे कटेंगे, 1.1%। मुझे बताओ अब, अगर मैंने आपको 5000 रुपए करे ट्रांसफर, मैंने आपको मोबाइल टू मोबाइल 5000 रुपए ट्रांसफर करे, तो मुझे बताइए माय डियर, मुझे आपको कितने पैसे और देने पड़ेंगे, यानी आपके पास कितने पैसे पहुंचेंगे कट के, आंसर कीजिए तुरंत कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूं, आंसर कीजिए आपके पास कट कर कितने पैसे बचेंगे, जल्दी करिए आंसर, फटाफट जल्दी, तब तक नेक्स्ट चलते हैं, देखो फटाफट स्वाहा, लौटा नहीं हिसाब कर दिया तुम लोगों ने। देखो निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखना माय डियर, टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसको दोस्तों क्या दिया है, अवार्ड दिया, ध्यान रखना, कौन सा अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इनमें से किसको दिया, रतन टाटा, अधीन प्रेमजी, नवीन जिंदल, नरोप दीज, आंसर कीजिए। एक पिक्चर आती थी ना पहले, एक पिक्चर नहीं मतलब कई सारी पिक्चर आती थी, उसमें क्या होता था, एकदम कोर्ट में एक खड़ा होके एक आदमी कहता था, अरे ये तो रिश्वत लेता है, ये तो वो इंस्पेक्टर है, तो क्या होता था, वो आदमी ईमानदार होता था, बुड्ढा सा किसी इंस्पेक्टर बनाते थे, वो ईमानदार होता था, वो आता था फिर और वो आकर अपनी पत्नी से बात करता था, घर पे पत्नी से बात करके कहता था, लक्ष्मी आज भरे कोर्ट में मेरी बेइज्जती हो गई। वो कहती क्या हो गया, तो वो कहता है कि आज एक व्यक्ति खड़ा हुआ और अचानक से मुझ पर रिश्वत का इल्जाम लगा दिया, मैंने अपने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली। तो उसकी पत्नी उसको समझाती, कहती कोई बात नहीं, क्या हो गया, ऐसी चीजें तो चलती रहती है। वो क्या करता है, अब उसने तो समझा दिया, समझाने काम कर दिया, लेकिन वो फिल्म चल रही है, पिक्चर, वो क्या करता है, उस चीज को सोचता कि भरे कोर्ट में, अरे ये तो रिश्वत लेता, पीछे बैकग्राउंड में दिखाते हैं ऐसे करके बार बार टीवी में वो दृश्य उसकी, कि वो सोच रहा है इसको, ये तो रिश्वत लेता है, सब लोग देख रहे हैं, ये तो वो क्या करता है, वो फांसी लगा लेता है। फिर वहां पुलिस इंस्पेक्टर लिखे आते, स्वर्गीय पुलिस इंस्पेक्टर, तो लोग कहते हैं कि हाँ ये चोर था, रिश्वत लेता था, शर्म के मारे मर गया। फिर उसका एक बेटा होता, वो जन्म लेके वो उसकी रक्षा के लिए, उसको निर्दोष साबित करने के लिए पूरी पिक्चर बनती है कि वो रिश्वत वाला नहीं था, उसको मारा गया था, ये व्यक्ति भी उन्हीं में से था, इसने सोचा भरे मंच पर आकर कहूंगा ये तुमने क्या लगा रखा है यहां पर, और कह के निकल गया। ओहो चलिए मान लिया, देखिए क्या आंसर दिया भाई, सी आंसर, बहुत अच्छा। मोना कह रही है कि अगर गुरुदेव आपने हमको 5000 रुपए दिए तो 1.1% कितना होगा 5000 का, 55 रुपए कट जाएंगे, बताओ भाई सभी लोग मिलकर, क्या मोना ने सही उत्तर दिया है, ये मोना ने, जल्दी बताओ मुझे क्या मोना ने सही उत्तर दिया है, क्या 55 रुपए कटेंगे क्या। भूपेंद्र कुशवा कह रहे हेलो सर, हेलो माय डियर, सी रुचि, ये रुचि कहां से पढ़कर आ जाती, आंसर कैसे दे रही बिना पढ़े, मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है प्रकाश इसको मेहनत कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, कहते जली को राख कहते हैं, बुझी को वो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से जो पैदा होता है उसको विश्वनाथ कहते हैं,
तो ध्यान रखना ये नतीजा मेहनत का है माय डियर, है ना। जो मेहनत कर रहा है वो दोस्तों ध्यान रखना, क्यों, ये करेंट अफेयर तो सुबह ही आ जाता है 3-4 बजे, तो आराम से कोई पढ़ना चाहे तो क्यों नहीं पढ़ लेगा, बिल्कुल पढ़ लेगा, समझ गए। जुनून होना चाहिए, आग लगी होनी चाहिए। देखिए फटाफट नवीन जिंदल क्या आंसर है माय डियर, नवीन जिंदल सी इज द करेक्ट आंसर है। नवीन जिंदल को क्या दिया गया है, ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है नवीन जिंदल को, ठीक है। अगर पूछ ले कोई नवीन जिंदल के बारे में तो बेटा एक चीज ध्यान रखना माय डियर, नवीन जिंदल के बारे में पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखना नवीन जिंदल क्या है, एक बार लोकसभा के एमपी भी रह चुके हैं, पार्लियामेंट में एमपी भी रह चुके हैं, ध्यान रखना, एक्स पार्लियामेंटेरियन, क्या लिख सकते हो, एक्स पार्लियामेंटेरियन। लोकसभा में कौन रह चुके हैं, लोकसभा में एमपी रह चुके हैं 14वीं और 15वीं लोकसभा में, ठीक है, नवीन जिंदल ध्यान रखना। 14वीं और 15वीं कौन सी लोकसभा है, अरे 14वीं लोकसभा कौन सी, अरे ध्यान रखना भाई, डी किसकी, कांग्रेस वाली। नवीन जिंदल एक्स पार्लियामेंटेरियन में रह चुके हैं और अब इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, कहां से, टेक्सास यूनिवर्सिटी से। ये बेटा चेयरमैन भी है किसके, जिंदल स्टील एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी है, किसके चेयरमैन भी है ये, किसके फिलहाल में, अब है दोस्तों जिंदल स्टील, जिंदल स्टील के चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा। ये कहां के रहने वाले, ये हरियाणा के रहने वाले माय डियर। जिंदल स्टील का, जिंदल स्टील का प्लांट कहां पर है, सबसे पहला हिसार, सबसे पहला कहां है, हिसार। पूछ लेगा जिंदल स्टील कब बनी है, लिखना 1979, कब बनी है 1979 में जिंदल स्टील बनाई थी इन्होंने, हिसार के दोस्तों रहने वाले, ध्यान रख लेना। और चेयरमैन है जिंदल स्टील एंड इंडस्ट्रीज के, ये जिंदल स्टील एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर पूछे कहां पर, नई दिल्ली, हेडक्वार्टर पूछे माय डियर, लिखना नई दिल्ली, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कहां से, टेक्सास यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखिएगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत, हाँ 2023 को ही मिला बेटा, 2023 को ही मिला, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट आओ भाई, देखिए फटाफट, रिसेंटली स्प्रिंग फीस्टा 2023 वाज ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 69 ईयर्स ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट म्यूजियम, ठीक है, ध्यान रखना 25 मार्च 2023 को मिला है, हाँ रिकमेंड हो जाता है उस टाइम पर, क्या होता है, रिकमेंड हो जाता है उस टाइम पर, डिलीवर कब होता है, डिलीवर रिसेंट में रहता है तो वो न्यूज में रहता है ना, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली स्प्रिंग फीस्टा 2023 वाज ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन, अरे क्या पढ़ रहा हूं इंग्लिश में, देखो हाल ही में राष्ट्रीय कला संग्रहालय के 69 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्प्रिंग फीस्टा वसंत पर्व 2023 का आयोजन किया गया, यह संग्रहालय निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है, बताइए माय डियर, संग्रहालय है यानी म्यूजियम है, फटाफट ध्यान करिए एक बात, ये क्या है, ये नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट म्यूजियम है माय डियर, किस, क्या कहते हैं इसको, ये म्यूजियम है, क्या है ये, म्यूजियम, म्यूजियम है यानी क्या है, संग्रहालय है, ठीक है, कौन सा संग्रहालय है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट म्यूजियम, नेशनल गैलरी, ठीक है, ऑफ आर्ट, क्या नाम है इसका, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट है दोस्तों, ध्यान रखना इसका नाम है, ठीक है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय, हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय कला संग्रहालय, अब आपसे बता देता हूं इसकी जो है 69th एनिवर्सरी, क्या माय डियर, इसकी 69th एनिवर्सरी अभी करी गई है, यानी ये 69th वाला एडिशन था जो इसका मनाया गया, अब इस एडिशन में क्या मनाया गया, त्योहार मनाया गया, कौन सा, स्प्रिंग फीस्टा 2023 ये मनाया गया इसके अंदर, ध्यान रखना 69th एनिवर्सरी पे क्या मनाया गया, स्प्रिंग फीस्टा, दिव्य लिख लीजिए, स्प्रिंग फीस्टा 2023 करेक्ट है, पूछेगा आपसे कहां मनाया गया, लिखना नई दिल्ली में, कहां मनाया गया माय डियर, नई दिल्ली लिखना, स्प्रिंग फीस्टा नई दिल्ली, ठीक है, स्प्रिंग फीस्टा नई दिल्ली,
क्या हो गया? कैसे हंस रहे हो? रिजल्ट तो कल आ रहा था पर बारिश की वजह से रुक गया। वैभव, वैभव कौन है यार? मुझे कमेंट नहीं दिखा भाई, वैभव का कहाँ है वैभव? वैभव सर, आपने तो एसएससी जीडी की रिजल्ट की बात कही थी, अभी तक क्यों नहीं आया है? मैं जारी कर रहा हूं, मैं जारी कर रहा हूं। ये हर बच्चे, हर हर उसकी जिसका यूट्यूब चैनल है, हर पे उस पे जाके कसम से ऐसे ही दबाव बना रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट निकलवाओ, रिजल्ट निकलवाओ। बहुत बढ़िया, रिजल्ट की वीडियो देखकर परेशान हो गए बेटा, इसलिए परेशान हो गए ना, आप बहुत ज्यादा वीडियो देख रहे हो। आप, मैंने वीडियो बनाई वो तो मैंने बताया था क्यों बनाई, लेकिन उसमें लास्ट में जो मैंने बात कही वो भी आपको एक बार मेरी बात सुननी थी। मैंने कहा था आप हर वक्त YouTube पर मत बैठो, आप समझ रहे हो कि YouTube पे वीडियो आना बंद हो जाएगा तो आप बेटा बहुत नादान हो, अभी बहुत छोटे हो। अभी ध्यान रखना, अगर आप सोचते हो ऐसी चीज कि YouTube पे SSC GD का रिजल्ट का या किसी और चीज का वीडियो आना बंद हो जाएगा तो आप बहुत बच्चे हो, नहीं, कभी नहीं हो सकता, नेवर। ध्यान रखना माय डियर, है ना, आपको खुद को रोकना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तभी ये बंद होंगी वीडियो, वरना नहीं होंगी बंद। अब कोई कहता है कि मैं दर्शन करने, मैं डेली वृंदावन जाता हूं, यार ये मंदिर और बीच में पड़ते हैं, मुझे मंदिर नहीं देखना है, मुझे केवल रोड पर दर्शन करना, परिक्रमा करनी है, क्योंकि मुझे वेट घटाना है। बेटा आपको वेट घटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी और रास्ते पर जाना पड़ेगा घूमने के लिए, क्योंकि मंदिर तो वहां से नहीं हटने वाले। आप उधर से जाओगे तो मंदिर पड़ेगा ही पड़ेगा, घंटियां बजेंगी ही बजेंगी, साधु संत मिलेंगे ही मिलेंगे, ध्यान रखना। ये सेम मैंने फंडा बताया आपको, मैंने आपको कल भी समझाया था कि स्कूल अगर कोई बच्चा जा रहा है तो बेटा वो साइकिल से जा रहा है तो लोग तो ऐसे कहेंगे ही कि इसको तो साइकिल चलाने का शौक है, स्कूल विस्कूल का कुछ नहीं है, लेकिन उसको पता है कि स्कूल नहीं गया तो घर वाले मारेंगे, तो स्कूल उसको डेली जाना ही है। अब दुकान वाला क्या कहता है, चलते फिरते लोग क्या कहते हैं आस पड़ोस में, उन पर ध्यान देगा तो वो तो स्कूल ही नहीं जाएगा फिर, वो तो ये कहते हैं ना ये पढ़ने नहीं जाता, ये साइकिल चलाने का शौक है, समझ गए? तो इसलिए आपको बंद करना होगा देखना, वीडियो बंद नहीं हो सकते ना, मैं नहीं बना कोई और बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा कोई और बनाएगा, और कोई और नहीं बनाएगा तो कोई और बना ही देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है आधुनिक कला? आंसर क्या है भाई? मॉडर्न, मॉडर्न आर्ट। अब मॉडर्न आर्ट के अंदर दोस्तों क्या है, ध्यान रखना, हस्तकला भी आती है, हस्तकला भी आती है, अपनी भी आती है, आर्टिफिशियल भी आती है, अपनी सेल्फ मेड भी आती है, आर्टिफिशियल भी आती है, डांस भी होता है, नृत्य प्रस्तुतियां भी होती है, नृत्य प्रस्तुतियां भी होती है, ध्यान रखना। इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें वहां पर उस उत्सव में मनाई गई, जिसको स्प्रिंग फीस्टा कहते हैं, ठीक है, स्प्रिंग फीस्टा 2023 दिल्ली में मनाया गया, 69वां इसका एनिवर्सरी थी, ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। जितने कहेगा आप हेमंत की तरह दूसरी चीजें देखो। करेक्ट बोला, करेक्ट बोला भाई, जब फ्रस्ट्रेशन हो तो भाई फिर ऐसे ही करोगे और क्या, सही बात है, दुनिया में हर चीज का इलाज है भाई। देखो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में केवल 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक किफायती और पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? ध्यान रखना माय डियर, दूध में मिलावट के लिए, यानी एक दो चीज ध्यान रखिए, एक होता है अमलगमेशन, क्या होता है, एक होता है अमलगमेशन, अमलगमेशन, और एक होता है माय डियर अडल्ट्रेशन, एक होता है अमलगमेशन, एक होता है अडल्ट्रेशन, ध्यान रखिए, दोनों का मतलब एक ही है, ये वो वाला नहीं है चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है, नहीं, ध्यान रखना, इन दोनों का मतलब तो एक ही है, मिलाना, मिक्स करना, लेकिन मीनिंग इनके नाम से अलग हो जाता है। अमलगमेशन का मतलब है दोस्तों कि इन्हीं दो चीजों को मिलाना, जैसे दूध में चीनी मिला देना, जैसे दूध में चीनी मिला देना, ध्यान रखना, दूध में चीनी मिला देना, ये मिलावट नहीं है, ये क्या है, ये पीने के लिए पेय पदार्थ बनाया जा रहा, दूध में चीनी मिला देना। यहां देखिए अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन ये नेगेटिव वर्ड है, ये क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये वोकैबुलरी में आपके काम आ जाएगा, ध्यान रखना। जैसे दूध में पानी मिला देना, दूध में दोस्तों व्हाइट पाउडर मिला देना, ये सारी चीजें क्या है, ये अडल्ट्रेशन है, यानी ये नेगेटिव वर्ड है,
और इसी नेगेटिविटी को दोस्तों क्या करने के लिए, अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए किसने माय डियर, आईआईटी मद्रास, ध्यान रख लीजिएगा आईआईटी मद्रास, मद्रास पहले किसको, चेन्नई वाले क्षेत्र को मद्रास ही कहते थे, ध्यान रखना, आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, उपकरण बनाया है, यानी इक्विपमेंट बनाया है, और वो बेटा क्या करेगा, आपको दूध में अडल्ट्रेशन को, दूध में अडल्ट्रेशन को आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है, दूध में अडल्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करेगा आईआईटी मद्रास, याद रखना 30 सेकंड के अंदर ये काम पूरा कर देगा, कितने अंदर, 30 सेकंड के अंदर इस काम को डन कर देगा। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, लेखनाथ छेत्री द्वारा लिखित उपन्यास फूलेंगे, फूलेंगे, फूलेंगे नहीं फूलेंगे, फूलेंगे मूल रूप से किस भाषा की पुस्तक है जिसका हाल ही में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, बताइए फटाफट, द नोवेल फूलेंगे रिटन बाय लेखनाथ छेत्री ओरिजिनली अ बुक विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, बताइए कौन सा लेखनाथ फूलेंगे किस भाषा में लिखा गया, ध्यान रखना माय डियर, नेपाली भाषा में ये उपन्यास था जिसका अभी हाल ही में क्या किया है, अभी इसको अंग्रेजी भाषा में चेंज कर दिया है, फूलेंगे, फूलेंगे, ठीक है, इसके दो मतलब होते हैं, दूसरे मतलब के लिए दिया गया है कि हम खुश रहेंगे यानी हम हैप्पी हो जाएंगे, फूलेंगे, ध्यान रखने ना, इसके दो मतलब है माय डियर, हम फूलेंगे, ये किसने लिखा है, बस इसका राइटर याद रखिए, वन डे एग्जाम के लिए लेखनाथ छत्री, कौन, लेखनाथ छत्री, छत्री छेत्री है बेटा, सुनील छेत्री का नाम सुना, सुनील छेत्री, कौन है सुनील छेत्री, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को एक बार, कौन है सुनील छेत्री, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही फेमस व्यक्ति है सुनील छेत्री, आंसर कीजिए फटाफट जल्दी, अरे गजब, आज तो एक से एक व्यक्ति आ रहा है, क्या बताऊं, आपको एक चीज समझ में आई आज, आपको एक चीज समझ में आई आज, ये कभी नहीं आए ये लोग कभी नहीं आए, ये मुझे लग रहा है, कहते हैं ना जैसे वो वाली जो मैंने अभी बात बताई थी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तन मूरत तैसी, इन्होंने कहा यहां तो कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, ये आ गए, या बेटा वो इंटरेस्टिंग नहीं था, वो न्यूज है कहां की, टेक्सास यूनिवर्सिटी की, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रख लेना माय डियर, वो न्यूज है टेक्सास यूनिवर्सिटी की, वो वहां से आई, लेकिन तुम्हारी नजर कौआ की नजर छीछी पर, कौआ की नजर छीछी पर, तुम वहां से आए हो, पैदा होके, समझ गए, ध्यान रखना, ये पहले कभी नहीं आए, ये पहले कभी नहीं आई, इन्होंने देखा अरे रिजल्ट तो चल ही रहा है, बाद में चलो भगवान को ढूंढते हैं, और ढूंढते ढूंढते इनकी नजर न्यूज की जगह, मतलब ढूंढ कुछ और रहे थे, लेकिन गलत चीज में आ गए, न्यूज रूम में घुस गए गलती से, अब न्यूज रूम में घुस गए तो ध्यान रखिए माय डियर, आ जाइए नेक्स्ट, देखिए हाल ही में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य, उद्देश्यों के लिए कर्नाटक को 363 मिलियन का ऋण दिया है, बताइए फटाफट, ध्यान रखिए कर्नाटक, कर्नाटक माय डियर क्या है, राजधानी बेंगलोर, क्या है राजधानी बेंगलोर, ध्यान रखना, कल आपको मैंने दो चीज पढ़ाई थी, एक वासवेश्वर महादेव और एक वो महाराज यानी भगवान भी कह सकते हैं उनको, और एक पढ़ाया था कैंप पगोडा, दोनों महान हस्ती हैं, दोनों को दोस्तों भगवान की तरह पूजा जाता है, वासवेश्वर जी कहां के हैं, वो कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के फादर माने जाते हैं, यानी फादर ऑफ द लिंगायत कम्युनिटी, और कैंपागोडा जी ने क्या किया, आधुनिक बंगलोर की स्थापना की हुई है, ध्यान रखना ये जो बंगलोर सिटी है उसको कैंपागोडा जी ने ही बनाया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी आपको, बासवराज बोमई ध्यान रखिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एक चीज और आप ध्यान रखनी आपको कि माय डियर विश्व बैंक ने अभी हाल ही में उनको 363 मिलियन डॉलर कितने, ध्यान रखिए वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने क्या दिया है 363 मिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर की दोस्तों क्या दी है असिस्टेंस प्रदान की, असिस्टेंस मतलब सहायता राशि, दोस्तों ध्यान रखना सहायता राशि प्रदान की है, ठीक है, किसके लिए, यही वो उत्तर है, ध्यान रखना बेटा पीने योग्य पानी के लिए, किसने, पीने योग्य पानी के लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए, जैसे कि कहा जाता है, किसी ने आंसर दिया, मोना ने दिया बी आंसर, पोर्टेबल कहा जाता है ना, पोर्टेबल वाटर मतलब आपको पता है आगे वाला जो युद्ध होगा वो किसके लिए हो सकता है, पानी के लिए हो सकता है माय डियर, है ना, आगे वाला युद्ध किसके लिए हो सकता है, पानी के लिए हो सकता है, ध्यान रखिएगा,
पोर्टेबल के लिए 363 मिलियन डॉलर दिया है विश्व बैंक ने। अगर आपसे विश्व बैंक के बारे में पूछ ले बेटा, विश्व बैंक के बारे में आपसे पूछ लेगा क्या चीज है विश्व बैंक, ध्यान रखना। विश्व बैंक के बारे में आप जानते हो दोस्तों कौन सा, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है ध्यान रखिएगा। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुई है, 1944 माय डियर, कब हुई 1944। और दोस्तों ध्यान रखना कहां पर, अगर पूछे हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर क्या लिखोगे, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है वॉशिंगटन डीसी। आईबीआरडी और आईडीए ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में अंतर है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 चीजें हैं और वर्ल्ड बैंक में 2 चीजें हैं, ठीक है क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। मुझे जयपुर जाना था लेकिन मैं दिल्ली वाला गाड़ी में बैठ गया, नतीजा ये हुआ कि ना कि जो दूरी 100 किलोमीटर थी वह 250 में बदल गई। करेक्ट आंसर दिया, करेक्ट एकदम करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। विवेक अब आया है, देखो विवेक अब आया है, तू और लेटा, तू और लेटा, कह रहे हो सर मैं अन्नू है, दोस्तों कोई अन्नू है, कोई बच्ची है, कह रही है सर मैं कमेंट्स नहीं कर रही, मैं आज न्यू स्टूडेंट्स हूं तो बस सब नोट कर रही हूं जी। बहुत बढ़िया अन्नू जी, माय डियर नोट्स करिए, बहुत सी बच्चियां इधर नोट्स बना लेती हैं, और नोट्स बनाकर हर संडे को मैं क्विज कराता हूं सुबह 7 बजे, टॉप 50 आपके जो नोट्स है ना जो आप बना रही हो उसमें से टॉप 50 क्वेश्चन आएंगे हर संडे को कराता हूं बेटा। उस एक हफ्ते के अंदर उन 50 प्रश्न से बाहर चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रही हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कमीशन, कोई सा भी आयोग हो, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, एमपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली का कोई, दोस्तों दिल्ली पुलिस का, एमटीएस का, एसएससी जीडी का, व्हाटएवर द एग्जामिनेशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कमीशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाई दीज करेंट अफेयर्स ओनली, ठीक है सब कुछ इन्हीं में से आएगा, डोंट वरी एट ऑल। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर विश्वास के साथ आप नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट माय डियर, किस वर्ष से हर वर्ष 31 मार्च को अंतरराष्ट्रीय ड्रग नशीली दवा जांच दिवस मनाया जाएगा। बेटा आपको होमवर्क दूंगा इस क्वेश्चन में, जिससे देखो एक बात समझो, मैं तो डेली पढ़ाता ही हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे स्वयं चीज को खोजेंगे ना, और मैं सारी चीजों की तो खोजने की कहता नहीं, 2-4 चीजों की खोजने की कहता हूं, वो आपको ही खोजनी है, ठीक है। जब भी होमवर्क दूंगा 1-2 चीज का दूंगा, वो हमेशा आपको करके आनी है, ये आप अपने दिमाग में इस जगह को बना लेना। देखो यार वो किस वर्ष से हर वर्ष 31 मार्च को अंतरराष्ट्रीय ड्रग नशीली दवाओं का दोस्तों क्या मनाया जाता है, डे मनाया जाता है, ध्यान रखना माय डियर, यहां पे लिखेंगे आप डे ऑफ ड्रग चेकिंग, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग, कौन सी, नशीली दवाएं दोस्तों ध्यान रखना, नशीली दवाएं यहां ध्यान रखिए माय डियर, इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे, इंटरनेशनल ड्रग का मतलब दवाई होता है, ड्रग का मतलब सिर्फ हमेशा वही नहीं होती है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना ड्रग्स वही है, जैसे आपका दिमाग में कुछ कमी है, यानी आपको मान लो कोई मेंटल डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर में बेटा वो दवाइयां दी जाती हैं, ध्यान रखना। जब ज्यादातर किसको होता है, फीमेल्स में होता है मेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि वो सोच बहुत ज्यादा जाती है, घर परिवार की बात सोच जाती है, कोई सोच जाती है, इसमें उनको क्या हो जाता है, सीजोफ्रेनिया कहते हैं, इस बीमारी को क्या कहते हैं, सीजोफ्रेनिया, ध्यान रखना माय डियर, सीजोफ्रेनिया, इस बीमारी को क्या कहते हैं, सीजोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि आप ऐसे करके खड़ी हैं और पीछे से आपको कोई बुला रहा है, ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया, एकदम देखेंगी, फिर भागकर किसी घर वाले के पास जाएंगी, कहेंगे देखो वहां पे कोई है, आप चलते चलते बेटा कहीं घर में आप सो रही होंगी, सोते सोते मान लो रात को आपकी नींद खुल गई तो दीवार पे आपको ऐसा लगेगा कोई चल रहा है, या कोई परछाई दिखेगी, या आप जिससे ज्यादा कनेक्टेड होंगी वो आपको व्यक्ति दीवार पर कहीं ना कहीं हंसता खेलता चिपका हुआ कुछ ना कुछ दिखेगा, दैट डिजीज नोन एज सीजोफ्रेनिया, समझ गए। हर समय थॉट डेवलप होना, यानी मिलियंस ऑफ थॉट्स,
यानी आप शांत नहीं रह सकते, आप हर समय सोचेंगे, इसी को कहते हैं बेटा सिज़ोफ्रेनिया। फीमेल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है सिज़ोफ्रेनिया से, यानी फीमेल्स आर मोर प्रोमिनेंट अबाउट सिज़ोफ्रेनिया, क्योंकि सोचती ज्यादा इसलिए गड़बड़ हो जाता है मामला। समझ गए, काम में लगे रहो, कभी सिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गई नहीं, काम में लगे रहो, कभी भी किसी चीज को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लेना है कि भाई ये तो बहुत बुरा हो गया, आप तो कुछ नहीं बचा, ये ऐसा नहीं करना, नेवर। लाइफ का एक अलग पहलू भी है इन सब चीजों से अलग, तो ध्यान रखना सिज़ोफ्रेनिया ये होता है। इनके लिए भी जो दवाई दी जाती है बेटा वो नशीली दवाई होती है, ध्यान रख लेना, अनकॉन्शियस ड्रग्स कहते हैं उनको। तो यहां पर लिखेंगे इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे, इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है, लिखेंगे 31 मार्च को, कब 31 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, पूछ रहे हैं कौन सी ईयर से ये शुरू हुआ, आंसर कीजिए फटाफट, किस ईयर से ये शुरू हुआ है सिज़ोफ्रेनिया। बहुत अच्छा माय डियर, बहुत गजब, ध्यान करना, मुना ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया माय डियर, 2017 से शुरू हुआ, कब से 2017 से, हर साल 31 मार्च को यह मनाया जाता है इंटरनेशनल चेकिंग ऑफ ड्रग, ठीक है, नशीली दवाओं की चेकिंग के लिए। कमी के पहल बदलाव देना और दवा से संबंधित जोखिम, यस माय डियर, है ना, क्यों मैं बताता हूं क्या होता है ये दवा से संबंधित जोखिम, मैं बताता हूं, कभी कभार क्या होता है हम दवाइयां देते हैं अच्छे के लिए, हम क्या करते हैं थॉट्स को, वो जो सिज़ोफ्रेनिया में कुछ टैबलेट्स आती हैं, उन टैबलेट्स को हम क्या करते हैं माय डियर, हम देते हैं अपने घर वाले या किसी आदमी को ठीक करने के लिए, लेकिन वो क्या होता है उनका ओवरडोज होता था ना, तो वो नशीली होती है, यानी वो नींद नहीं आती है, सिज़ोफ्रेनिया में नींद नहीं आती है, आप पूरी रात घूमोगे हर समय, तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो ड्रग्स दी जाती है, तो वो कभी कभार ओवरडोज हो जाती है ना, तो वो डेथ का भी कारण बनती है, कभी कभी वो मेंटली से इनसेन हो जाता है बंदा, यानी मेंटली पागली हो जाता है, उसका भी कारण बनती है, ये सब उसी का नतीजा होता है ना, ध्यान रखिएगा 2017 का करेक्ट आंसर। देखिए, किस वर्ष तक भारत के रक्षा निर्यात के मौजूदा 35,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, आंसर कीजिए फटाफट जल्दी तुरंत, आंसर कीजिए तुरंत। हैप्पी बर्थडे टू यू, किसका बर्थडे है भाई, क्यों विवेक किसका बर्थडे है, क्यों तेरे मूड खराब हो रहे हैं ज्यादा, अरे किसका बर्थडे है, आज बर्थडे है क्या सर का, सर रिजल्ट क्यों नहीं आया आज, तीतापार कैंपेन करेंगे, तीतापार अवधेश क्या लिख रहा है, कह रहा है तीतापार कैंपेन करेंगे, अरे तीतापार नहीं होता ट्विटर को अरे यार कसम से क्या बताऊं मैं, ट्विटर की सर ये है ट्विटर, ट्विटर तो समझ लो कम से कम, ट्विटर करेंगे ट्विटर कैंपेन, बेटा ट्विटर कैंपेन ऐसी हर चीज के लिए नहीं करता है, ट्विटर कैंपेन जब होता है जब बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया हो। आपको क्या लगता है यार, मुझे तो आप ड्रामा लगने लगा है ट्विटर, तुमको क्या लगता है अवधेश ट्विटर कुछ काम करता है, मुझे नहीं लगता बेटा कुछ काम नहीं करता ट्विटर, ये सब कहने की बात है, वो 10-20-50 में से एक आधा बार काम कर जाए तो ठीक है, अदरवाइज ट्विटर क्या करता है सिर्फ जैसे जो बड़े चैनल है ना, बड़े चैनलों को और बड़ा करने के लिए काम करता है, ट्विटर कैंपेन बड़े चैनलों को और बड़ा करने के लिए काम करता है और कोई काम नहीं करता, ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए जो कह रहा है तीता बार अरे अवधेश 2024 2025 विक्की 2024 कौन कह रहा है अवधेश, अरे माय डियर ध्यान रखना 2024 2025 नहीं, ध्यान रखना माय डियर 2026 कब 2026 इसका करेक्ट आंसर है। किस वर्ष तक भारत के रक्षा निर्यात को मौजूदा 35 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, अरे यार तुम में कहां चली गई है तुम्हारा दिमाग, यहां देख रहा हूं भविष्य की बात कर रहा है, तुम कैसे 24 और 25 कर रहे हो, अच्छा 24-25 भी भविष्य में ही है, ठीक है तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक बात है, 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखना बेटा ये टीवी टूवी के लक्ष्य है, इनको इनमें कंफ्यूज मत हुआ करो आप, ये टीवी टूवी वाले लक्ष्य है, ठीक है। सौरभ जोशी कह रहे हैं डी आंसर है, बहुत बढ़िया माय डियर बहुत बढ़िया गजब। पीबी 10 मुद्दे
क्या कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल बेटा, न्यूज है वो, डोंट वरी, न्यूज है वो, है ना, न्यूज है वो, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। देखिए फटाफट, 35,000 करोड़ से दोस्तों बढ़ाकर क्या कर दिया, 40,000 करोड़ कर दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एक बार बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर कीजिए। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर कीजिए। बासु चटर्जी, अनिरुद्ध भट्टाचार्य, बोथ ए एंड बी दोनों ने लिखी है, या नन ऑफ द एबव, फटाफट बताइए। ये तो सरल प्रश्न है, ये तो आपको आता होगा, ये तो सरल प्रश्न है माय डियर, आपको आता होगा, ठीक है। कुछ भी, देखो क्या कह रहा है, अभी फिर से कह रहा है कुछ भी टेप हो जाता है। अरे टेप नहीं होता। अरे अवधेश, अरे मांझा, टेप नहीं होता, टाइप होता है, कुछ भी टाइप हो जाता है, ऐसे करके लिख रहा होता है, ध्यान रखना। सी, सी कन्फर्म है, सी कन्फर्म है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कुछ ऐसे बंदे देखे, आपने कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे माय डियर, आप मुझे सही बताना, आपको कसम है, आप मुझे सही बताना कि आपको कसम है माय डियर, एक बात बताइए, आपने कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे अपने जीवन में कि जो कहते हैं कि घूंघट मार के रख, मेरे घर वाले हैं घूंघट मार के रख, किससे कहता है, मान लो अपनी वाइफ से कहता है कि घूंघट मार के रख, मेरे घर वाले हैं, वो क्या कहती है, घूंघट तो मैं मार लूंगी लेकिन अंदर घूंघट में से खूब गाली दूंगी, इज्जत नहीं करूंगी। वो कहता है चाहे तू कैसी भी गाली दे, इज्जत मत कर, लेकिन घूंघट मार के रख। पता है क्यों? क्योंकि दैट इज द गेम ऑफ मेंटालिटी, ये मानसिकता का गेम है, ये मानसिकता का गेम है। कोई भी फीमेल है, कोई भी फीमेल है माय डियर, ध्यान रखना, वो ऐसे ही रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को गाली गलौज नहीं कर रही है, बहुत अच्छी शानदार तरीके से जिंदगी जी रही है, सास ससुर की, माता पिता, अपने पति परिवारजनों की बहुत अच्छी देखभाल करती है, बहुत केयर करती है, और ऐसे ही रह रही है सिंपल, जैसे घर में लड़कियां रहती हैं, तो उसमें कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन लेकिन लड़का जलील है, लड़का जाहिल है, लड़का क्या कह रहा है कि गाली दे दे पर घूंघट यहां तक रख, अंदर अंदर देती रहे गाली, बताओ ऐसे सम्मान का तुम क्या करोगे। तो यही दोस्तों वो लोग हैं, ध्यान रखना, जो दिखावे के लिए बहुत सिस्टम अपनाते हैं, दिखावे के लिए कि मतलब जी, अरे ये कैसा, अरे यार ये क्या कर दिया, अरे भाई ताला चोर के लिए नहीं होता है, शरीफों के लिए होता है। शरीफ आदमी देखकर क्या कहेगा, चलो चलो यहां से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ताला बेटा चोर के लिए नहीं होता है, चोर तो ताले को भी तोड़ेगा और वैसे खुला होगा तो चोरी करेगा ही। ताला शरीफों के लिए होता है कि शरीफ आता है कहता है अच्छा ताला लगा है, चलो फिर किसी दिन आएंगे। समझ गए? समझ जाना, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, वरना तो समझा तो ब्रह्मा भी नहीं सकता, ध्यान रखना। क्या मेरा आज क्लास में मन लगा? देखिए ध्यान रखिए, दोनों का माय डियर आप कह रहे हो, दोनों का, ए और बी दोनों, दोनों नहीं माय डियर है, ध्यान रखना। अनिरुद्ध भट्टाचार्य कौन है इसके लेखक? अनिरुद्ध भट्टाचार्य है। बासु चटर्जी अ मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक के लेख है, ध्यान रखना। बासु चटर्जी कोर डॉक्यूमेंट्री, कोर डॉक्यूमेंट्री मतलब सच्ची टाइप की कहानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी आंसर है, गजब भी आंसर ठीक किया है सौरभ जोशी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सौरभ जोशी नाम का तो एक यूट्यूबर भी है, वो बड़ा फेमस है, ब्लॉगर है वो। नेक्स्ट आइए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, आंसर कीजिए माय डियर। विश्व ऑटिज्म, ऑटिज्म, विश्व ऑटिज्म, और दोस्तों क्या है, जागरूकता दिवस है, यानी ऑटिज्म डे, अवेयरनेस डे लिख लो, ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन, करिए आंसर, वर्ल्ड ऑटिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन, फटाफट आंसर करिए। बी आंसर, डी आंसर किया है रुचि ने, डी आंसर मोना ने किया, डी प्रकाश ने, और विक्की ने भी सी कंफर्म करा, विक्की सी कंफर्म किया है भाई,
तुम लोग डी कर रहे हो, वो सी कंफर्म कर रहा है, ध्यान रखिए, जंग तुम्हारे बीच में ही, मैं कुछ नहीं बोल रहा इसमें। उसने कहा है सी है, तुमने कहा है डी है, बताइए। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं पहले। ऑटिज्म डे क्या होता है बेटा? ऑटिज्म डे होता है यानी लैक ऑफ इंटरेक्शन, लैक ऑफ इंटरेक्शन, इरिटेशन, लिविंग अलोन, नॉर्मल इंटेलेक्ट, रिपीटेशन। ध्यान रखिए ये क्या है, ये ऑटिज्म के दोस्तों ऑटिज्म के फीचर्स हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऑटिज्म हुआ है, इसकी हमको अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे और ये कब पता चलते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ये पता कब चलते हैं, ये पता चलते हैं माय डियर फर्स्ट थ्री इयर्स। ये पहले 3 साल में ही पता चल जाते हैं, ये पहले 3 वर्ष में ही पता चल जाते हैं। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेक्शन, यानी लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करना, अकेले अकेले रहना, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है उसको बार 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 समझने की कोशिश करना, कोई चीज रिपीट करना बार बार, समझ रहे हो, हर चीज को रिपीट करना। जैसे किसी ने कहा खेत पर जा, तो वो कहता है खेत पर जा, उसने कहा जा रहा हूं, खेत पर जा। किसी ने कहा तू सुधर जा, वो कहेगा तू सुधर जा, कहेगा मैं सुधर जाऊंगा, मैं आप कोई गलत कमेंट नहीं करूंगा, तू सुधर जा, वो कहता ही रहेगा तू सुधर जा। रिपीटेशन, अकेले अकेले रहना, इरिटेट सा फील करना, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन किसी से नहीं करना, दिस ऑल क्वालिटीज कम्स अंडर ऑटिज्म, ध्यान रखना, ये ऑटिज्म की क्वालिटी। और आंसर क्या है? सेकंड अप्रैल इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। डी क्या कह रहा है? उसका अपना मोबाइल है, बहुत बढ़िया। सौरभ जोशी भी उत्तराखंड से और मैं भी उत्तराखंड से हूं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। मैंने उसके ब्लॉग देखता नहीं हूं, लेकिन मैंने उसका नाम सुना था अभी 2-4 दिन पहले, उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी तो बार बार आ रहा था, द ग्रेट सौरभ जोशी यूट्यूबर फाइट विद, पता नहीं कौन सा था, कोई दूसरा भी कोई यूट्यूबर ही था, उससे फाइट हो गई थी, तो उसको मैंने देखा था। तो वो उसके साथ एक कुत्ता भी पालता है, वो उसका एक छोटा भाई है, अपने घर की वीडियो बनाते रहते हैं, वो फेमस हो गए, वो आईयूपीयू टाइप की तरह, उनकी तरह ना। डी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट आंसर। करो ऐसा करो, तुम बात करो आपस में, करो बात। अरे मान जाओ भाई जलीलो, देखो दृष्टिहीनता निवारण दिवस 1 अप्रैल से 7 अप्रैल हो जाते हैं, इसकी थीम क्या थी, इसका आंसर कर दीजिए, नजारा बहुत गजब का हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और लास्ट क्वेश्चन में आज आपका आज का आंसर कर दीजिए, नजारा गजब हो जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन को देख के मेरे को याद आया, अभी अन्नू का कमेंट देखो मेरे को याद आया, अन्नू ने लिखा जी, तो मुझे याद आया कि मैं अन्नू ने जब कमेंट किया था पिछले क्वेश्चन पर, तब मैं कुछ तुमको देने वाला था क्या होमवर्क, लेकिन मैं भूल गया, लेकिन अब दूंगा मैं, अब मुझे फिर से याद आ गया है, और मैं अब देखकर जाऊंगा। ये यहां पर था बेटा, मैं सिज़ोफ्रेनिया में लग गया था, तो मैं आपको होमवर्क देने वाला था, होमवर्क था आपके लिए, पता है क्या होमवर्क था आपके लिए? एनसीआरबी, ये होमवर्क था आपके लिए, ठीक है। और एक है बेटा, चलो यही करो आप, एनसीआरबी ही कर लो, ठीक है, एनसीआरबी ही कर लो, फिर वो तो इसकी सब बॉडी है, उसका मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है, एनसीआरबी कर लो। इसके बारे में मुझे बताना है आपको, कल पहले प्रश्न में आकर पूछूंगा इसके बारे में कि ये क्या है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। एंटी डोपिंग एजेंसी की भी पूछ लो आपसे, एंटी डोपिंग एजेंसी भी देख के। चलिए, डोंट बी सीरियस, क्या हो गया बेटा, कौन सीरियस हो रहा है? हाँ हिंदी में थीम है, हिंदी, अरे अच्छा थीम केवल हिंदी में लिख गई क्या? अकेली सभी के लिए दृष्टि नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, दृष्टि मानव अधिकार के रूप में, रंगीन दुनिया नजाराई दुनिया, जल्दी कीजिए आंसर, फटाफट जल्दी तुरंत,
ना मैं क्यों होती सीरियस, होना भी नहीं है बेटा, होना ही क्यों सीरियस है, बिल्कुल नहीं होना, जल्दी बता आंसर कीजिए इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए फटाफट। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, हाँ विवेक को इसलिए पता होगी क्योंकि दिल्ली पुलिस में बड़ा यूज हुआ होगा इसका। जो बच्चे बेटा ध्यान रखना, जब ज्वाइनिंग आ रही थी तो सबका एनसीआरबी लिस्ट में नाम चेक हो रहा था, इस वजह से ये आप भूल गए होंगे। चलिए थोड़ा आंसर करिए इसका, कहां खेल रहे सब, बी आंसर कर रही है मोना, और आंसर करो, अन्नू आंसर करो, रुचि ने क्या आंसर किया है बी, जतिन ने आंसर किया बी, विवेक ने आंसर किया बी, और मोना ने भी आंसर किया बी, सारे बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सौरभ जोशी ने भी आंसर किया है बी। भाई डियर ध्यान रखना बेटा, इसकी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2023 की जो थीम है उसको मनाने के लिए बेटा थीम क्या है इसकी, ध्यान रखना, ए इज द करेक्ट आंसर, बी नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। सभी के लिए दृष्टि नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, दैट इज द थीम फॉर दोस्तों कौन, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, ठीक है, इसकी थीम याद रखना, सभी के लिए दृष्टि और नेत्र सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। अप्रैल फूल खेल रहे हो, यस, देखो प्रकाश ने जब मैंने इस पर निशान लगाया ना तब प्रकाश ने आके कहा है मैं तो ए आंसर दे रहा था। सर मुझे रेलवे वाले बुला नहीं रहे, अरे पैनल तो आने दे, पैनल तो आने दे, बुला लेंगे, अभी बस कुछ दिन की बात और है, मामला सेट हो जाएगा तेरा, पैनल पैनल आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है, तेरे को बुला लेंगे रेलवे वाले और अपना काम सेट हो जाएगा। चलिए बहुत खुश रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहना माय डियर, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चल जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, टेक केयर। माता पिता की सम्मान करना है, स्त्रियों का सम्मान करना है, और वो वाली बात तो कभी अपने जीवन में नहीं लानी कि घूंघट मार ले गाली दे, घूंघट मार ले दे गाली, वो नहीं करना। क्या कह रहा, भले ही घूंघट खोल के रहे, आराम से रहे, लेकिन सम्मान करो, केयर करो, देखभाल करो, है ना। चल शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। राजू सिंह कह रहे हैं भैया जी जीडी का रिजल्ट आएगा आज, देखो उम्मीद तो सबको है माय डियर, उम्मीद तो सबको है राजू जी, और आना चाहिए, ये जेन्युइन बात है, अगर 15 तारीख से फिजिकल है तो जीडी का रिजल्ट आज आना चाहिए, और अगर जीडी का रिजल्ट आज नहीं आता है तो मैंने कल भी संभावना जाहिर की थी कि अगर रिजल्ट बहुत लेट होगा तो हो सकता है फिजिकल की डेट पीछे खिसक जाए, ज्यादा नहीं, हफ्ते भर 5 दिन 7 दिन ही खिसकेगी, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर आज रिजल्ट आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको बता तो पहले ही दिया ना, आपको नोटिस तो 2 दिन पहले आ गया है ना, किस पर, वेबसाइट पर। और ध्यान रखना कभी कभार ऐसा होता है कि जब ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ गया है तो जरूरी नहीं है डेट खिसकेगी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा प्रतीत होता है ना। चलिए बहुत ज्यादा मुश्किल सा प्रतीत होता है। जतिन कह रहा सर मेरा क्या होगा जीडी के रिजल्ट में। सर यस सर 110 ओबीसी फीमेल, आपका हो जाएगा नू, 110 तो अच्छे मार्क्स है बेटा, डोंट वरी, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। चलो भाई हो गया, हाँ जतिन का हो जाएगा, हो जाएगा जतिन का, हो जाएगा एसएससी जीडी में दोबारा जाएगा ये नौकरी करने। राजस्थान से बहुत है बेटा, फिर इसमें दुखी होने की बात नहीं, राजस्थान से फीमेल में 110 मार्क्स बहुत है, और आपका सिलेक्शन भी होगा, देखना अगर आपने फिजिकल कर दिया ना तो इस बारी आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगी, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, डेफिनेटली, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं है। सर मेरा मार्क 98 है, एमपी से हूं, तो क्या होगा, तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 98 99, मोर देन 95 अच्छे मार्क्स है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, दिक्कत लेने वाली बात है ना। राजू सिंह 99 अच्छे नंबर है माय डियर, आप फिजिकल की तैयारी रखना, देखना फिजिकल के लिए तो आपको कॉल आ ही जाएगा, और अगर थोड़े से आप ठीक रहे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, फिजिकल में पीछे मत रहना, अच्छी करना, सिलेक्शन भी हो जाएगा ना। चलिए शुक्रिया, जय हिंद, मुझे इजाजत दीजिए, आप भी अपना ख्याल रखिए, मिलता हूं आपको शाम को 9 बजे क्विज में, ठीक है, 9 बजे वाले क्विज में मिलता हूं दिल्ली पुलिस के लिए।